चीन को चालबाज और शात्री यूं ही नहीं कहा जाता, वो किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए हर हथकंडे चलता है। ऐसे में भारत पर दबाव बनाने के चीन ने 10 महीने तक एलएसी पर तनाव बरकरार रखा, जिसके बाद खुद ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े और एलएसी पर विवादित जगह से अपनी सेना हटाने को मजबूर हुआ। लेकिन इन सबके बीच लगातार चीन एशिया के कई देशों को अपने घातक हथियार सप्लाई कर रहा है, जो उसके खतरनाक प्लान का हिस्सा है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं चीन का वही प्लान, जिसके जरिए वो कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एशियाई देशों को चीन दे रहा घातक हथियार। एक तरफ भारत के साथ चीन का लंबा विवाद एलएसी पर चला, वो बताया गया कि चीन ने खुद अपने पांव पीछे खींच लिए। लेकिन इन सबके बीच एक खबर ने शातिर और चालबाज चीन के चेहरे पर से पड़ा पर्दा हटा दिया है। भारत से जारी तनाव के बीच चीन एशिया के कई देशों को अपने घातक हथियार से पाट रहा है। हाल ही में जारी हुई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने दुनिया भर की होश उड़ा दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 2020 के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 10वें स्थान पर काबिज है। इस दौरान पाकिस्तान ने दुनिया भर में आयात किए गए कुल हथियारों का 2.7% हिस्सा खरीदा है। पाकिस्तान ने आयात किए गए कुल हथियारों का 74% हिस्सा अकेले चीन से खरीदा है। इसके अलावा चीन के हथियारों की खरीद करने वाले प्रमुख एशियाई देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड प्रमुख हैं। पाकिस्तान ने साल 2016 से 2020 के बीच आयात किए गए कुल हथियारों का 74% चीन से, 6.6% रूस से और 5.9% इटली से खरीदा है। हालांकि सूची में तुर्की के साथ पाकिस्तान के हथियारों की डील शामिल नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मैग्नम प्रोजेक्ट के जरिए कई आधुनिक युद्धपोत खरीद रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कई ज्वाइंट आर्म्स प्रोडक्शन में भी शामिल है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के कुल हथियारों की खरीद में पिछले सत्र के मुकाबले 23% की गिरावट देखी गई है। एशियाई देशों को बेच रहा चीन ज्यादा से ज्यादा हथियार। चीन अपने ज्यादातर हथियार एशियाई देशों को बेच रहा है। हालांकि अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जो ड्रैगन से इनकी खरीदारी कर रहे हैं। चाइना पावर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हथियारों के कुल निर्यात पर 82.8% हिस्सा एशियाई देशों को दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान के साथ JF-17 लड़ाकू विमानों का निर्माण, टाइप 054 क्लास के युद्धपोत, मिसाइल ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे हथियार शामिल हैं। सिप्री के मुताबिक सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। भारत के बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। साल 2011 से लेकर 2015 और साल 2016 से लेकर 2020 के बीच में भारत के विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है। पिछले 5 साल की अवधि में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं, लेकिन हथियारों के इस आयात में करीब 53% की गिरावट आई है। भारत अब रूस के पहले के 70% के बजाय अब केवल 49% हथियार ही खरीद रहा है। हथियारों के आयात के मामले में भारत ने अमेरिका को भी झटका दिया है। साल 2011 से 2015 के बीच में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था, लेकिन साल 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका चौथे पायदान पर चला गया है। अमेरिका से हथियारों के आयात में भारत ने 46% की कमी की है। साल 2016 से 2020 के बीच में इसराइल और फ्रांस क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे। बांग्लादेश की बढ़ रही चालबाज चीन से नजदीकियां। दरअसल शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश के तेवर जरा बदले हैं। अब वो चीन के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दे रहा है। पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया, जबकि सिलहट भारत के उत्तर पूर्वी सीमा से सटा है और संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसकी मदद से चीन भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रखने का प्लान बना रहा है। चीन बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने के लिए हर हाल में अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है। यही वजह है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की पूरी दुनिया ने आलोचना की, लेकिन चीन ने हर कदम पर म्यांमार की सेना का पक्ष लिया। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद में म्यांमार सेना की आलोचना करने वाले प्रस्ताव पर वीटो किया था। आंग सान सू की सरकार चीन के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दे रही थी, जिससे बांग्लादेश तक चीन के पहुंचने का सपना प्रभावित हो रहा था। भारतीय रक्षा क्षेत्र में बजा स्वदेशी का डंका। कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अत्याधुनिक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे भारत ने पिछले 5 सालों में विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की कमी की है, वो भी तब जब पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ तनाव अपने चरम पर था। हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रूस अभी भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, लेकिन उसे भारत से तगड़ा झटका लगा है। भारत अब इसराइल और फ्रांस के हथियारों की खरीद पर ज्यादा तरजीह दे रहा है। सिप्री के मुताबिक सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। भारत के बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। साल 2011 से लेकर 2015 और साल 2016 से 2020 के बीच में भारत के विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है।
पिछले 5 साल की अवधि में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं, लेकिन हथियारों के इस आयात में करीब 53% की गिरावट आई है। भारत अब रूस से पहले के 70% के बजाय अब केवल 49% हथियार ही खरीद रहा है। साल 2016 से 2020 के बीच भारत का फ्रांस से हथियार आयात 709% बढ़ा है, वहीं भारत का इसराइल के साथ हथियार आयात 82% बढ़ चुका है। भारत ने इसी अवधि के दौरान राफेल डील की थी, जिससे फ्रांस से हथियारों के आयात में इतनी वृद्धि हुई। राफेल विमान और उसमें लगी मिसाइलों की खरीद भारत के कुल आयात का आधा हिस्सा है। हालांकि इस अवधि में भारत के कुल हथियार आयात में गिरावट आई है। सिप्री ने कहा कि इस कमी की वजह भारत की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूस से इतर अन्य देशों से भारत का हथियार खरीदना है। भारत करने जा रहा हथियारों की बंपर खरीदारी। सिप्री ने अनुमान जताया है कि भारत ने पिछले 10 सालों में भले ही हथियारों के आयात में काफी कमी की हो, लेकिन आने वाले 5 सालों में भारत की बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की योजना है। इसमें लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, युद्धक जहाज और सबमरीन शामिल है। इससे भारत का आयात काफी बढ़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2016 से 2020 के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में 23% की गिरावट आई है। पाकिस्तान अपने हथियार आयात का 61% हिस्सा चीन से लेता है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहा है, जो साल 2028 तक उसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान 50 लड़ाकू विमान, 8 सबमरीन और 4 फ्रिगेट्स चीन से और 4 फ्रिगेट्स तुर्की से खरीद रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया के कई देश चीन को अपने लिए खतरा मानते हैं, इसलिए बड़े पैमानों पर हथियारों की खरीद कर रहे हैं।